श्री राम कथा जो कि कलयुग के प्राणियों के लिए अमृत के समान है, ईश्वर की प्रेरणा से मैं इसे प्रारंभ करता हूं। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी ऋषि अगस्त के पास गए, उनके साथ में जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि अगस्त ने संपूर्ण जगत का ईश्वर मानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि अगस्त जी ने शिवजी को संपूर्ण राम कथा विस्तार में कही, जिसको शिवजी ने परम सुख मानकर सुना। ऋषि ने सुंदर हरि भक्ति के बारे में पूछा, तब शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर हरि भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी की कथाएं कहते सुनते हुए शिवजी कुछ दिनों तक वहां रहे, फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर की ओर यानी कैलाश को चले। तेही अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन उतारा। उन्हीं दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। पिता वचन तजी राजूदासी और दंडक वन विचरत अविनाशी। पिता के वचनों को मानकर संपूर्ण राजपाट को त्याग कर साधु के भेष में वो दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अब तरहूं प्रभु गए जानु सब कोई। शिवजी हृदय में विचारते चले जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हों, प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से ये सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति छोभु सती ना जानहु मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, लेकिन सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं शिवजी के मन में भेद खुल जाने का भय था, लेकिन दर्शन के लिए ये नेत्र ललचा रहे थे।